हाय फ्रेंड्स, मैं दीपा। आज मैं आपको डायंथस प्लांट के केयरिंग और प्रोपगेशन वगैरह कैसे करना है इसके बारे में बताएंगे। आप ये इधर देख सकते हैं, मेरे पास जो डायंथस प्लांट का जो कलेक्शन है लगभग 7 कलर्स है मेरे पास, सभी व्हाइट और ये वाला कलर का भी, और भी प्लांट्स मेरे पास नीचे पड़ा है बालकनी में। और डायंथस प्लांट बहुत ईजी टू केयर वाला एक प्लांट है, तो ये कैसे केयर करना है, इनका प्रोपगेशन कैसे करना है, ये सब चीजों के बारे में हम डिटेल बताएंगे। डायंथस प्लांट के लिए पोटिंग मिक्सचर कैसे तैयार करना है ये पहले देख लेते हैं। डायंथस प्लांट के पोटिंग मिक्सचर के लिए एक हिस्सा आप गार्डन सोइल ले लीजिए और एक हिस्सा नॉर्मल जो रेत, जो रिवर सैंड जो बोलते हैं रिवर सैंड, अगर नहीं अवेलेबल नहीं है तो आपको कोकोपीट ले सकते हैं। और एक पार्ट इसमें काउडंग कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट, कौन सा आपके पास अवेलेबल है वो यूज कर सकते हैं। और ये प्लांट जो है ये थोड़ा एल्कलाइन मिट्टी पसंद करता है, तो उसके लिए आपको चूना अगर मिलेगा तो चूना थोड़ा गोल बना के उसमें मिक्स कर सकता है, नहीं है तो जो पाउडर फॉर्म में जो चूना मिलेगा वो भी ऐसे एक पॉट के लिए एक दो पिंच आपको इसमें डाल सकता है, नहीं है तो चोक जो बोर्ड में जो लिखता है ना वो चोक अवेलेबल है तो वो भी इसमें थोड़ा मिक्स करना सही रहेगा। ये अगर पॉटिंग मिक्सचर बनाने के टाइम में अगर नहीं मिक्स करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बाद में भी आपको इसका गोल बना के इसमें पॉट में डाल के भी दे सकता है। और ये प्लांट लगाने के बाद, ये थोड़ा वेल एस्टेब्लिश होने के बाद ना, जब से मतलब एकदम छोटा साइज से अगर बडिंग होना शुरू हो रहे तो वो आपको पिंच करके निकालना है, क्योंकि प्लांट का एक अच्छा ग्रोथ होने के बाद ही उसमें फ्लावरिंग होने देना है, तो ये चीज ध्यान रखना है आपको। और जैसे ऐसे बड्स वगैरह दिखेगा इसमें तो इसमें लिक्विड फर्टिलाइजर्स एड करके देना अच्छा रहेगा, क्योंकि विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स वगैरह थोड़ा कम टाइम ऐसे फूल आता है इसमें, तो 10 डेज में एक बार या 15 डेज में एक बार अगर आप खाद देते रहेगा तो इसमें फ्लावरिंग थोड़ा ज्यादा होता है। तो फ्लावरिंग आने के लिए भी आपको कोई भी ऐसे लिक्विड फर्टिलाइजर्स यूज कर सकता है। मैं नॉर्मली सब्जी का जो वेस्ट वगैरह पानी में डाल के वो यूज करती हूँ कभी कभी, और बाकी ये सरसों का खली वगैरह यूज करके जो लिक्विड फर्टिलाइजर बनाते हैं वो वाला भी मैं यूज करती हूँ कभी कभी। और अगर केमिकल फर्टिलाइजर्स भी यूज करना चाहते हैं तो आप एनपीके वगैरह गोल बना के वो भी इसमें डाल सकते हैं। और एक और बात जो ध्यान रखना है, ये फ्लावरिंग होने के बाद हमेशा इसका डेड हेडिंग करना है। ये देखिए, अभी इसमें ये साइड में एक फ्लावर ये फूल मतलब सूख चुका है, तो हमेशा ये जो सूखा वाला फ्लावर्स है ये हमेशा आपको ऐसे हटाना चाहिए, देखिए। और ये प्लांट में भी आपको बहुत सारे ऐसे मिलेगा, तो ये जो है एक पूरा बंच आपका ये सूख गया, ऐसे कंडीशन में आप नीचे से इसका ये पूरा ब्रांच देखिए, ये पूरा ब्रांच ना नीचे से जितना नीचे आप जा सकते हैं उतना नीचे से ये ब्रांच पूरा हटा सकता है, क्योंकि जितना ज्यादा आप इसमें से जो डेड वाला फ्लावर्स का ब्रांच हटाते जाएंगे नीचे से नया नया शूट्स निकलेगा, तो आपका प्लांट में ग्रोथ अच्छा आएगा और आगे आपको पूरा सीजन बहुत अच्छे से फ्लावरिंग मिलेगा इसमें। और इसमें सीवीड एक्सट्रैक्ट जैसे ऐसे लिक्विड फर्टिलाइजर्स भी ना आप इसमें फोलियर ऐसे स्प्रे करके भी देना सही रहेगा, तब भी आपको इसमें ज्यादा फ्लावरिंग होने के लिए अच्छा है ये चीज भी। और एक चीज जो ध्यान रखना है आपका, और इसका वाटरिंग में क्या ध्यान रखना है, आपको बहुत ज्यादा ऐसे सोगी नहीं रखना ये पॉट, थोड़ा सा वैसे ऊपर का लेयर जो मिट्टी का ड्राई होने का जब होगा ना तब भी आपको इसमें पानी डालना है, नहीं तो कोई भी ऐसे विंटर प्लांट्स का ये जल्दी से इसका रूट रोट हो जाता है, तो जब भी मतलब ऊपर लेयर जब ड्राई आपको दिखेगा तब भी आपको इसमें पानी डाल। और जैसे मैंने बोला ये वाला डायंथस प्लांट एक पेरिनियल प्लांट है, तो आपको ये सिर्फ विंटर के बाद ये प्लांट आपका खराब नहीं होगा, तो उसके लिए आपको पूरा प्लांट जो डेड हेड्स वगैरह ऐसे हटा के मतलब विंटर के बाद कोई छाया में थोड़ा शेडी एरिया में ऐसे रखने से भी ये प्लांट आपका पूरा साल चल जाएगा, और अगले साल के लिए भी ना आपको इसी में से बारिश के बाद ऐसे कटिंग्स लेके प्रोपगेट करके आपको नया प्लांट भी इसी में से प्रोपगेट कर सकता है।
तो इसका प्रोपगेशन मेथड्स क्या क्या है वो अब मैं आपको बताती हूँ। एक तो प्रोपगेशन के लिए आप कोई अच्छा ब्रांच चूज करके वो काट के वो लगा सकते हैं, वो मैं दिखाती हूँ आपको कैसे करना है। देखिए ऐसे प्लान में से कोई भी ऐसे अच्छा ब्रांच आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, ये वाला ब्रांच इसमें सही रहेगा। तो ऐसे इसमें से ना आप एकदम नीचे से ये काट के, ये नीचे से कोई भी ऐसे प्लांट का जो कटिंग लगाएंगे आप, नीचे का सारे लीव्स हटाना है इसमें, क्योंकि ना ये चीज मैं हमेशा बोलती हूँ, नीचे का लीव्स अगर मिट्टी में दब जाएगा तो इसमें ये लीव्स पहले गल जाता है पूरा, ऐसे रोट होने के बाद ना इसमें फंगल अटैक वगैरह होने का चांस होता है। तो हमेशा ये चीज आपको ध्यान रखना है। और अगर आपको लगेगा ये सिसर से काट के इसका नीचे का पोर्शन थोड़ा कभी ऐसे क्रश हो जाता है, तो उस कंडीशन में आपको ये थोड़ा अच्छे से 45 डिग्री एंगल में ऐसे काट के लेना है। उसके बाद आपको वही सेम पॉट में भी ऐसे दबाने से थोड़ा मिट्टी ऐसे वो करके अच्छे से दबा दीजिए ये वाला, और ये ऐसे आपको अच्छे से ये अभी आगे रूटिंग होके मिल जाएगा। ये चीज आपको ये फेब लास्ट तक कर सकता है, मार्च तक फिर थोड़ा गर्मी हो जाएगा तो इतना सही नहीं रहेगा, उसके बाद फिर जब बारिश का सीजन हो जाएगा तभी इसका कटिंग लेके आप लगा सकते हैं। और एक और टाइप जो प्रोपगेशन है इसका लेयरिंग कर सकते हैं आप, वो मैं आपको दिखाती हूँ अभी। ऐसे बिगनर्स को ना थोड़ा डर लगता है, अगर आपके पास एक दो प्लांट है तो उसमें से कटिंग वगैरह लेना थोड़ा डर लगता है, ऐसे कंडीशन में आप ऐसे कर सकते हैं, कोई भी ऐसे थोड़ा फ्लेक्सिबल वाला ये ब्रांच ऐसे चूज करके थोड़ा सा मिट्टी ऐसे हटा के ना ये ब्रांच आप थोड़ा मिट्टी में ऐसे दबा दीजिए और ऊपर से थोड़ा मिट्टी डाल के ये ऐसे रख दीजिएगा, तो कुछ दिन बाद आप देखेगा तो ये जो पोर्शन है ये थोड़ा अच्छे से ग्रो होने का आपको वैसे देखने से पता चलेगा। उस टाइम में ये इधर से ब्रांच काट के ये रूट के साथ वो निकाल के आप कोई भी ऐसे पॉट में लगा सकते हैं। और एक और जो तरीका है, अभी आप ये वाला मेरा प्लांट देख लीजिए, ये पूरा इसमें जितना भी ये प्लांट ये पूरा मैंने एक ही पॉट में से निकाल के ये लगाया था, और ये लास्ट बारिश का टाइम के बाद मैंने लगाया था पूरा, और इसमें एक टाइम में बहुत सारे फ्लावर्स आए थे, ये सब ये देखिए ये सब मैंने ऐसे डेड हेडिंग करके इधर ही डाल रखा था। तो ये प्लांट में एक ये भी है, मतलब एक टाइम में पूरा अच्छे से फ्लावरिंग होगा, उसके बाद थोड़ा रुक के फिर नेक्स्ट सीजन मतलब नेक्स्ट बैच ऑफ फ्लावर्स आएगा। और हाँ, ये मैंने कैसे किया मैं आपको दिखाती हूँ। अभी ये वाला प्लांट आप देख लीजिए, इसमें ना नीचे से बहुत अच्छे से इसका जो पूरा नीचे से ऐसे फॉर्म हो रखा है, इसका ना जो ब्रांचेस वगैरह अच्छे से आ रखा है, तो ऐसे वाला प्लांट का पूरा अपना नीचे से अगर निकालेगा तो इसमें से रूट वाला ब्रांचेस आपको मिल सकता है। अगर ऐसे नहीं दिख रहे तो पूरा प्लांट हटाने के बाद आपको इसका दो तीन पोर्शन ऐसे निकाल सकता है, तो दो तीन पार्ट करके वो रूट वाला पार्ट सब आपको मिट्टी में लगा के अलग अलग प्लांट एक ही प्लांट में से बना सकता है। और वैसे यही सब है मतलब ये वाला प्लांट का केयरिंग के बारे में और प्रोपगेशन के बारे में जो बताना है। तो विंडर का बहुत अच्छा एक खूबसूरत प्लांट में से एक है, इस टाइम में भी आपको ये खरीद सकता है, क्योंकि ये बाकी फ्लावर्स से कंपेयर करके थोड़ा लेट तक आपको विंडर में फ्लावर्स देगा। मुझे लास्ट टाइम में मई जून तक मेरा इसमें फ्लावरिंग हुआ था, और ये प्लांट वैसे एक ही साल में खराब नहीं होगा, ये एक पेरियल प्लांट है, ये आप अगले साल के लिए भी रख सकते हैं। तो अभी भी आपके पास अगर कलर्स भी अगर नहीं है तो भी कलर्स भी ऐड करने के लिए ये अच्छा टाइम है। तो आई थिंक सबको अच्छा लगा होगा मेरा वीडियो। तो जो भी ऐसे प्लांट लवर्स है और डायनेसिस प्लांट लगाना चाहता है ये टिप्स फॉलो कर सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।